तो आज इसका स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स ना। चलो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स एकदम पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे, यहाँ तक कि ग्राफ बनाने सिखा देंगे तुमको, ठीक है। ग्राफ बनाने भी ठीक है। चलो वेरी गुड, एकदम पेन कॉपी निकाल लिया ना। चलो ठीक, देखो पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, बोलो। पॉली प्लस नोमियल्स, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। पॉली मतलब, पॉली मतलब नहीं, मेनी मैनी, मैनी मनी भाई वो नहीं, मैनी, ठीक है ना। और नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉली मतलब मेनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स, पॉलीनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, मेनी टर्म्स के बारे में पढ़ना है, कौन सा टर्म्स, कैसा टर्म, कहाँ का टर्म, सब पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो पॉलीनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज़ जानना होगा जिसका नाम है अलजेबरिक एक्सप्रेशन। नाम सुनी हो? नहीं। अलजेबरिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग अलजेबरा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अलजेबरा जो होता है इसमें क्या होता है, वेरिएबल के बारे में डील करते हैं, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में। तो उससे पहले अलजेबरिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। अब अलजेबरिक एक्सप्रेशन से पढ़ने से पहले तुमको एक चीज़ और पढ़ना होगा जिसका नाम पता है क्या, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट एंड, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स, फिर आएंगे अलजेबरिक एक्सप्रेशन, फिर घूमेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स में, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर एक एक टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है ना, बाय क्वाड्रेटिक सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो बढ़िया से, बढ़िया से नोट करो, एकदम बेसिक से नोट्स करना है, एकदम नोट बढ़िया बनाना, ठीक है। अलजेबरिक, हाँ अलजेबरिक, LGBARIC, अलजेबरिक, अलजेबरिक एक्सप्रेशन, एकदम जल्दी जल्दी नोट करो। पॉलिनोमियल्स ना बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स सही में बहुत मज़ेदार, अरे सच में मज़ेदार चैप्टर है, तुम लोग पढ़ना ना इसमें, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। पॉलिनोमियल्स इसी में अल्फा बीटा के बारे में पढ़ेगा, एक रूट निकलेगा अल्फा, दो रूट निकलेगा अल्फा बीटा, तीन रूट निकलेगा अल्फा बीटा गामा, चार रूट निकलेगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ में आया, डेल्टा यूनिट हो गया, चलो बताएंगे सब, सब बताएंगे। लाइट भी चली गया, मिटाए हो गया इसको। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग किसको, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है ना। चलो कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल हेडिंग डाल दो, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। अब यहाँ पर दो वर्ड है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों अलग है, ये तो सबको पता है, लेकिन कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, पता है क्या तुम लोग को? नहीं, नहीं पता। देखो अगर हम बोलते तुमको ये क्या है, चॉक, कौन सा कलर का, कोई यहाँ पर रेड क्यों नहीं बोल रहा, रेड नहीं है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब ये जो बात है ऑलरेडी वो फिक्स है, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोलेंगे पाँच रुपये का नोट तुमको देंगे, हम तुमको क्या पाँच रुपये का नोट देंगे बोल सकते हैं तुमको छः रुपये का नोट दिए, क्योंकि क्योंकि वो फिक्स है, पाँच का नोट फिक्स है, मतलब जो चीज़ फिक्स्ड है, एनी नंबर, एनी नंबर विच इज फिक्स्ड और
अपना वर्ड में लिखना, कांट बी चेंज इज नोन एज क्या? कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल जीरो, जीरो को कभी हम वन बोलेंगे? माइनस वन को कभी हम फाइव बोलेंगे? टू को कभी हम माइनस थ्री बोलेंगे? मतलब जितना नंबर है वो सब क्या है? कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? ये सब एग्जाम्पल हुआ इसका, ठीक है. हाँ, मैटर का याद आया ना, ठीक है. ये क्या है? कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चलो नोट करो. तो इसी तरह वेरिएबल क्या होता है बताओ? वेरिएबल, वेरिएबल जो वर्ड है ये आया पता है कहाँ से? वेरिएबल जो वर्ड आया ये आया वेरी से. कहाँ से आया? वेरी से. वेरी मतलब क्या होता है? बदलते रहना. वी ए वी आर वाई, वेरी मतलब बदलते रहना. क्या होता है? चेंजेस. क्या होता है? चेंजेस. बोलता है ना मौसम वेरी कर रहा, मतलब क्या कर रहा? मौसम चेंज हो रहा, ठीक है ना? क्लियर? मतलब एनी नंबर विच चेंजेस, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है ना? एनी नंबर विच चेंजेस इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन इज नॉन एज, क्या बोलते उसको? नॉन एज वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है बताते हैं पहले, पहले इतना नोट लिखो. देखो वेरिएबल बता देते पहले, बाद में लिखना, पहले लिखो. देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो मुझे 5x, 5x का मतलब पता है तुमको क्या होता है? 5x मतलब क्या है? 5x है ना, कुछ मतलब पता है? अब हम x की जगह पर डाल लो 1 डाल दे, अगर x की जगह पर 1 दे दिए, ठीक है, तो क्या होगा? 5 × 1 = 5, ठीक है ना? अगर x की जगह पर हम लोग 2 दे दिए तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 2, तो क्या हो जाएगा? 10. मतलब ये x का वैल्यू जब भी चेंज कर रहे तो ये पूरा नंबर क्या हो जा रहा? चेंज हो जा रहा. मतलब ये सब क्या हुआ? वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल ए 5 मतलब ए दे दिए, ए का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 होता है, ए का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा. ए से लेकर के जेड तक बीच में जो भी नंबर है वो सब क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. समझ में आ रहा बात? चलो नोट करो. अब हम लोग जो अलजेब्रा में घुसे, अलजेब्रा में ए बी सी डी सब ये सब एक तरह से नंबर कंसिडर किया जाएगा. क्या क्या किया जाएगा? नंबर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है. चलो वेरी गुड, नोट करो इसको जल्दी जल्दी, तुम नोट करो. इसमें सबसे मेन चीज होता है मिडिल टर्म फैक्टर. बहुत मजा आता करने में मिडिल टर्म फैक्टर. एक बड़ा बड़ा इक्वेशन दे देगा, दूसरा इक्वेशन दे देगा, उसको डिवाइड करना इक्वेशन बाय इक्वेशन. फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे x पावर 4 प्लस 9x³ 5x, 5 × 1 = 5, 9x³ प्लस 7x² डिवाइड बाय x प्लस 5 दे दिया, 7 दे दिया. इसे वो डिवीजन करना है, ये सब भी सीखेगा, ठीक है ना? इसमें हाँ तुम लोग ग्राफ बनाना सिखाएंगे, ये एक चीज़ नया करेंगे, ग्राफ बनाना सिखाएंगे. जो 11 में सिखाया जाता है जो अभी सिखाएंगे नहीं सीखना. x = 2 मतलब 5 × 2 = 10, मतलब 5 × 1 = 5, है ना? 5x को एक वेरिएबल मान लिए, को एक नंबर मान लिए, को एक टर्म मान लिए, ठीक है ना? हाँ चल लिख लिए, हो गया. चल जल्दी 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 एकदम हाथ चलाओ, स्पीड में हाथ चलाओ, धीरे धीरे, है ना? राइटिंग क्या है मैथमेटिक्स में? क्या राइटिंग? मैथ्स में कोई राइटिंग नहीं. देखो ऊपर का दिखाते हैं, तो कतई जादू बन गया.
क्या हो गया? इसमें बहुत मसान मिटाना, खाली हाथ रखते बस मिट जाता है, वाइट बोर्ड में हालत ख़राब हो जाता है। ठीक है देखो, अब हम लोग यहाँ से आते हैं डायरेक्ट किस में? अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। पहले इससे पहले एक चीज़ और समझते हैं, टर्म्स, एक चीज़ और समझते हैं टर्म्स, बाद में अलजेब्रिक समझते हैं। टर्म्स, टर्म्स क्या होता है बताओ, टर्म्स क्या होता है? टर्म्स क्या होता है? टी आर एम्स, टर्म्स। एग्जाम्पल है, टर्म मत समझना, ठीक है? टर्म्स मतलब फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं, कोई एक इक्वेशन है 5x² + 7x + 9, ठीक है ना, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम पूछेंगे इसमें कितना टर्म्स हैं? तीन। बोल दिया, बहुत अच्छा, सिखाते हैं भी दिखाते हैं। हम बोलते हैं 7x² + 9x - 8, इसमें कितना टर्म्स हैं? इसमें कितना टर्म्स हैं? तीन, ठीक है। अब दिखाते हैं 8x² + 7+3, इसमें कितना टर्म्स हैं? कितना कितना? तीन, तीन ना, गधा। 7+3 = 10, कितना टर्म्स है? 2 टर्म्स। देखो अब समझाते हैं, टर्म्स क्या है? टर्म्स क्या है? कोई भी ऐसा नंबर अलग अलग वेरिएबल का, अलग अलग वेरिएबल का। देखो ये एक्स स्क्वायर, इसका एक्स पावर है, इसका यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब नाइन सिखाएंगे अभी, सिखाएंगे, ठीक है ना, अभी सिखाएंगे। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। मतलब कांस्टेंट अगर एक हो, जितना भी कांस्टेंट हो सब कांस्टेंट एक साथ मिल जाता है, सेम वेरिएबल एक साथ मिल जाता है, डिफरेंट वेरिएबल अलग होता है। तो यहाँ पर जितना भी डिफरेंट वेरिएबल है सब अलग अलग हो, किसके साथ? प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट किया हो, उसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। मतलब यहाँ पर एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, एक टर्म्स, दो टर्म्स। यहाँ 7+3 क्या था? कॉन्स्टेंट था, तो दोनों कॉन्स्टेंट क्या हुआ? एडअप हो गया, है ना। 7+3 = 10 बन गया। क्लियर, समझ में आया? समझ में आ गया ना, वेरी गुड। चलो नोट करो इसको, मतलब यहाँ पर क्या है? 3 टर्म्स। यहाँ क्या है? 3 टर्म्स। यहाँ क्या है? 2 टर्म्स। लिखो, हाँ 7 एंड एन एन कौन? ओ एक्स एक्स एक्स, सॉरी एन बोल रहा था, था। तू लोग भी तो हद है, मतलब क्या बोले तुम लोग। 7x, तू लोग गधा रह जाएगा, सही बता रहे। बोलो मैथमेटिक्स वाला जैसे x लिखते हैं, अरे हम जल्दी जल्दी मुझसे लिख देता सब सब कोई क्वेश्चन तब। लिख लिया? अरे लिखो रे बाबा, को तो देरी कर छे ना आपने, करो 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 करो। सब बंगला, सब बंगला बोलने में सीख रहे, सोचता सब बंगाली है ये। देखो इधर देखो, हो गया। हेडिंग डालो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन, देखो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रा और एक्सप्रेशन हो, उसमें उसको कुछ एक्सप्रेस किया हो, ठीक है ना। कोई भी एक टर्म्स लिखा हो, एक दो तीन टर्म्स, वो क्या हो? एक्सप्रेस किया हो, किस फॉर्म में? अलजेब्रा का फॉर्म में, ठीक है ना।
तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल बाय ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना, इन विच वेरिएबल्स पावर मस्ट बी व्हाट, लाइक प्लस माइनस इनटू ऑपरेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल बाय ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन विच द वेरिएबल पावर मस्ट बी रियल नंबर। अब देखो सबको मालूम है रियल नंबर क्या होता है, हाँ। क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर, हाँ देखा, अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कोई भी नंबर का स्क्वायरिंग करे तो क्या मिले हमको, नॉन नेगेटिव मिले, मतलब नेगेटिव नहीं मिले, या फिर जीरो मिले या फिर पॉजिटिव मिले, पहले बता चुके रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, रियल नंबर अगर फिर अगर किसी और कन्फ्यूजन तो जाके देख लेना, ठीक है ना सबको पता रिकॉर्डेड है, ठीक है, देखो वेरिएबल पावर मस्ट बी रियल नंबर, ठीक है, देखो अब समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, मतलब एक कॉन्स्टेंट लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ए मान लेते हैं कॉन्स्टेंट है, कि एक नंबर है जो कॉन्स्टेंट है, चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है ना, कोई नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना, ए ले लिए, ए वन ले लेते हैं इसको, क्या लेते हैं, ए वन ले लेते हैं, मतलब तुम कभी बदलेगा नहीं, ए वन है तो ए वन ही रहेगा, मान लेते इसको, ठीक है ना, मान लेते थोड़ा देर के लिए, मान लेते कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं हम बिल गेट्स हैं, ठीक है ना, मानने कुछ मान लेते, ठीक है ठीक है, ए वन वेरिएबल को क्या लेते हैं, वेरिएबल को एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, एक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, बोला कि कोई क्या बोले, ये क्या है कांस्टेंट, थोड़ा देर के लिए क्या मानते हैं इसको, कांस्टेंट मानते हैं, एक्स को थोड़ा देर के लिए क्या मानते हैं, वेरिएबल, क्या मानते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल बीच में मान लेते हैं थोड़ा सा, क्या देते हैं, इनटू, क्या देते हैं, इनटू, मतलब डॉट देते हैं, इनटू मतलब क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल हो, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल हो, बाय ऑपरेशन लाइक विच इज सेपरेटेड, यहाँ पर एक चीज छूट गया, विच इज सेपरेटेड लिख देना, ठीक है ना, सो वही सोचते थे विच इज सेपरेटेड लिख लेना यहाँ पर, विच इज SEPERATED सेपरेटेड, जो भी स्पेलिंग लिख लेना, सेपरेटेड बाय, विच इज सेपरेटेड बाय ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यहाँ पर क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं यहाँ पर, इंटू कर देते हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, इंटू ले लिए, ठीक है ना, अब क्या बोला है, इन विच, सुनो यहाँ से देखो, ऑपरेशन क्या डाल दिया, बीच में इंटू डाल दिया, ठीक है ना, समझाएंगे एग्जाम्पल से, इन विच वेरिएबल्स का पावर, मतलब वेरिएबल जो ये है इसका पावर क्या होना चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर, क्या होना चाहिए, रियल नंबर को आर से दिखाते हैं, ठीक है ना, मतलब ए एक्स टू द पावर क्या होना चाहिए, आर, एक्स टू द पावर आर, क्या ए वन ले लेते, नहीं लेते, ए एक्स ले लेते, ठीक है ना, ए लेते, क्या लेते, ए लेते, एक्स टू द पावर आर, कैपिटल आर, इस टाइप में होना चाहिए, चाहे एक हो, चाहे दस हो, चाहे पचास हो, चाहे इन्फिनिटी, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो लिखो, नोट करो, फिर एग्जांपल कराएंगे। समझ में आया? तब इसका एग्जांपल दिखाते, पहले एग्जांपल दिखाते, मिटा इसको, मिटा, इसे मिटाने में बहुत मजा आता है, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, समझा, चौक पे जो लिख रहे हैं उस फेनोमेना को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, ये चौक पे बोल रहे हैं, बोर्ड पे जो हम लोग लिख रहे हैं उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं पता है, एड्सॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, अरे देखो कपड़ा में पानी जो घुसता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन, फिर केमिस्ट्री का बात है, ठीक है ना, बता दे रहे फिर भी,
और जो चौक पे जो लिख रहे फिर मिट जाता है उसको क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन, क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री में। देखो देखो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो, समझते हैं अब एग्जांपल देखते हैं फिर समझ में आएगा। अब मैं से ये पूछते हैं 5x⁻⁶ + 8x⁻⁻⁺ + 7x + 7 क्या ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? कैसे कैसे है? सोचो सोचो, क्लियर करेंगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसीलिए है कैसे है इसमें देखो, इसमें कांस्टेंट है इस टर्म, पहले पहले इस टर्म को देखते हैं, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन बीच वाला मैंने वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर रियल नंबर है, सिक्स रियल नंबर है ना, हाँ -9/2 में रियल नंबर नहीं है, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा प्लस जाएगा, तो रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव मिल रहा, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी वेरिएबल है और ये भी कांस्टेंट है। बता यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, है कि नहीं है, है तो कहाँ दिखाई दे रहा, नहीं है, नहीं है, वन वेरिएबल है, इंटू एक्स करते हैं तो एक्स एक्स आएगा कहाँ से, वेरिएबल नहीं है, है कैसे देखेगा देखेगा, ये देखो जादू, जादू होने वाला ये देखो जादू होने वाला, देखिए जादू कैसे होता है, देखो ये देखो जादू, देखो जादू दिखाते हैं, देखे जादू तुम लोग सब जानता है, देखो जादू, ये देखो आँख की नज़र से हम चुरा के लेके चल जाएंगे आया जादू आ गया, एक्स क्या है वेरिएबल हो गया, एनीथिंग टू पावर जीरो क्या हो जाता है वन, सेवन इंटू वन सेवन है ना, जीरो क्या है रियल नंबर है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, चलो ऐसे में जो क्वेश्चन लिखता है उसको थोड़ा होगा कि ये मुन्ना ज्यादा को बोला है ये ठहरा कांस्टेंट, अब तो क्यों है ना, क्लियर मतलब ये कैसा है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बोलो हाँ चलो नोट करो नोट करो जादू हो गया ना, हम तो क्यों है का अनाउंस करने के लिए वीडियो बनाया था उसमें ये वर्ड यूज किए थे मुन्ना जादू को बुला रहे हैं, चलो कमऑन कमऑन लेट्स चैंट हिज नेम लॉर्ड कृष्णा विल बी हैप्पी राधा रानी विल ब्लेस यू एंड ऑफ यू दी कृष्णा, लिखो लिखो हो गया नहीं, जल्दी 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 जादू जादू जादू, कोई मिल गया हो गया, पहले पता था ये चीज जादू नहीं, अब जादू करने आ गया ना, सिखा दिया ना, सिखा दिया ना जादू, बोलो हाँ या ना, हाँ मिटा दे, नहीं नहीं मिटा है, कितना स्पीड लिखती है अरे जादू समझ में आ गया ना, जादू समझ में आया सुधांशु, यही तो रोहित का जादू, टंग 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 है ना, मिटा दे, देख के लिखो उधर से, चलो अब दिखाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो समझ में आ गया नहीं बोल आ गया ठीक है, तो अब देखो दिखाते हैं क्या क्या पॉलिनोमियल्स में आते हैं, किस में आते हैं पॉलिनोमियल्स में, एकदम सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा है पॉलिनोमियल्स, सेम बस हल्का सा चेंज है, हल्का सा एकदम हल्का सा चेंज किए हैं पॉलिनोमियल्स में, हेडिंग डालो पॉलिनोमियल्स, अब घुसे हम लोग चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में, इतना देर से हम लोग सिर्फ पैतरा कर रहे थे ठीक है ना, इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे पैतरा, पॉलिनोमियल्स में जाने का हम लोग बहाना खोज रहे थे, किससे पॉलिनोमियल्स से झगड़ा करने का, अब झगड़ा करने का मौका मिल गया, कैसे देखो
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या बोलते थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स में बोलेंगे, भाई साहब आप उसको पीटे तो हम भी पीटेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। उसके बाद क्या बोले हम लोग, आर सेपरेटेड बाय, क्या बोले, आर सेपरेटेड बाय, आर सेपरेटेड बाय ऑपरेशन लाइक, बोला आप जिस तरह उसको पीटे हम भी पीटेंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन विच वेरिएबल पावर, क्या बोला आप जिस तरह से पीटे जिस तरह से मारे हम भी उसी तरह मारेंगे, समझ रहे हो, हाँ वही चीज बता रहे, वेरिएबल पावर्स मस्ट बी, लेकिन आप जो मारे ना धीरे मारे, हम मारे थोड़ा जोर से, ठीक है ना, मस्ट बी जो आता था रियल नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा होल नंबर, बोला आप तो मारे धीरे से लेकिन हम तो देंगे उठाक पटाक, ठीक है ना, सब चीज सेम करेंगे, जितना पीटे हम उतने पीटेंगे लेकिन हम जोर जोर से मारेंगे, ठीक है, हाँ आप पता चला ना, रियल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्यों बताए थे, इसीलिए खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़, चलो नोट करो, नोट करो इसको, पर जल्दी जल्दी नोट करो, देखो देखो पॉलिनोमियल्स में क्या बात कर रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन विच वेरिएबल पावर मस्ट बी होल नंबर। तो देखो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट ए वेरिएबल एक्स, तो देखो क्या हुआ, कॉन्स्टेंट ए वेरिएबल एक्स, वेरिएबल का पावर क्या लेंगे हम लोग, होल नंबर, क्या लेंगे होल नंबर, मतलब ए क्या हो गया कॉन्स्टेंट, एक्स क्या हो गया वेरिएबल, डब्ल्यू क्या हो गया होल नंबर, लिखा, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, अब इसका जनरल टर्म दिखाएंगे, यही तो मजा, अब यहीं से मजा स्टार्ट होगा, यहीं से मजा स्टार्ट होगा, यहीं से जल्दी जल्दी लिखो तुम, जल्दी जल्दी, हाँ चलो 30 सेकेंड तो पेन निकालने लगा देती है, देखो उतना देर में पेन निकाल देता देर में वो लिख लिया, हो गया हो गए छे बोलून, वेरी गुड, चलो वेरी बैड बैड मैन, अच्छा है अच्छा है, मोदी जी के डर का मजा नहीं आ रहा है, ये पबजी वाला है क्या, देखो भाई और बहनों आज हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स, समझे नहीं, नहीं समझे, देखो हाँ अब क्या पढ़ते हैं, जनरल टर्म्स, क्या पढ़ते हैं, कौन बोला रे, जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखो जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, देखो तो जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का बात करते हैं हम लोग, किसका बात करते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो कैसे लिखा जाता, देखो ए नॉट, ए नॉट को मान लेते हैं कोई एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ए नॉट, या फिर ए जीरो को बोलता है ए नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए नॉट, क्या नॉट, ठीक है ना, नॉट, ठीक है ना, ए नॉट एक्स नॉट, मतलब एक्स जीरो, एक्स का पावर जीरो,
जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्लस ए वन एक्स पावर वन, प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू, प्लस ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री, बताते क्या होता है। प्लस से चलते जाएगा, चलते जाएगा कहाँ तक, चलते जाएगा चलते कहाँ तक, ए का पावर एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, प्लस ए का पावर एन एक्स पावर एन, बोला हाँ या ना, चलते जाएगा बताते बताते। डरो मत डरो मत डरो मत, डरने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है, क्योंकि डोंट टेक इन टेंशन वा, बिकॉज आई एम बाबू मेंशन वा। देखो देखो ए जीरो मान लो थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट है, क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कुछ नंबर है, ठीक है ना, कुछ भी नंबर है, ठीक है ना। अब एक्स एक वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल पावर जीरो लेते हैं, क्या हो जाता है वन, क्या हो जाता है वन, मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या ए नॉट, क्या बन जाएगा ए नॉट, ठीक है। ये क्या हो गया ए वन, मान लो कोई कांस्टेंट है एक्स पावर वन, मतलब वन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देते हैं, है ना। क्या बन जाएगा ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स थ्री। तो इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे, इसको याद कर ले, देखो ए जीरो एक्स जीरो, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स एक्स थ्री, ए फोर एक्स फोर, ए फाइव एक्स फाइव, ए सिक्स एक्स एक्स सिक्स, से चलते जाएगा कहाँ तक, कहाँ तक जाएगा ए एन एक्स एन जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर एक टर्म पहले लेके जाएंगे तो ए का पावर एन माइनस वन और ए एन माइनस वन आएगा ना, आएगा ना। अरे देखो ये पचास है, पचास से पहले क्या था, तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस वन, वही काम किया ना, ए एन एक्स एन है तो इसको एक पहले लेंगे तो एन माइनस वन, एन माइनस वन, बुझते पार छे ना अपनी सवाल, समझ में आ रहा, यही चीज किए हैं। तो इसको याद कर लोगे जनरल टर्म, एकदम बढ़िया से लिखो, एकदम बढ़िया से लिखो, एकदम इसको बढ़िया से लिखो, पहले नोट करो, यहीं से सारा चीज खेल है, सारा खेल यहीं से स्टार्ट है, सारा खेल यहीं से स्टार्ट है। लिखो जल्दी लिखो, हो गया। देखो ए वन एक्स वन, ठीक है ना, ए टू एक्स टू, ए थ्री एक्स थ्री, ए फोर एक्स फोर, ए फाइव एक्स फाइव, ए सिक्स एक्स सिक्स, से चलते जाए कहाँ तक, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड ए एन एक्स एन, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से गेम इससे स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो, अब देखो स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ मैं भी किए तो लग रहा कुछ लड़ने जा रहे हैं, माहिस्मती जय माहिस्मती। देखो देखो देख के लिख लेना, देखो इधर देखो, अब देखो हुआ क्या, मतलब जितना भी हम तुमको चीज बता रहे ना जो पढ़ रहे हो आगे चल के 11 12 में, सब यहीं से ओरिजिन हुआ है, अलजेब्रा फुल्ली अलजेब्रा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेयर दिस इक्वेशन, समझ रहा है, ये मतलब सबका मतलब फादर है ये इक्वेशन। देखो कैसे, अब पहले हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ए वन एक्स टू द पावर जीरो, ठीक है, ए वन एक्स टू पावर जीरो मतलब क्या हो गया, ए वन इंटू वन बचेगा क्या, ए वन, ए वन क्या है कॉन्स्टेंट, ए वन क्या है constant. मतलब क्या बना, अगर हम सिर्फ पहला टर्म लेते हैं एक जनरल टर्म का तो हमको क्या मिलता है कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ जनरल हमको मिलता है क्या कांस्टेंट मिलता है, क्या मिलता है कांस्टेंट, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, दो टर्म लेते हैं, दो टर्म क्या लेते हैं, दो टर्म लेते हैं, पर उसमें तो आप ए वन एक्स नॉट, एक ए वन एक्स पावर जीरो, ए वन एक्स पावर जीरो, हाँ तो एक्स पावर जीरो बनता क्या वन बन जाता, तो वन इंटू ए वन क्या बन जाएगा, खाली ए वन बन जाएगा, तो ए वन क्या चीज़ है कांस्टेंट है ना, हमको क्या मिला कांस्टेंट कहां से मिलता है, यहीं से मिलता है, कहां से मिलता है, कोई भी कांस्टेंट अकेला नहीं होता, याद रखना उसके साथ में वेरिएबल होता है, कोई भी कांस्टेंट अकेला नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ में क्या है वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल कौन सा है, एक्स टू पावर जीरो वाला, नीचे नोट होता है ऊपर पावर जीरो होता है, ठीक है ना, नॉट, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे यू एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, उसी तरह से, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात, उसी तरह से ये ए नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, सेकेंड वाला लेते हैं, दो थोड़े इक्वेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, दो इक्वेशन है, ध्यान से देखो, यहीं से ओरिजिनेट हुआ लीनियर इक्वेशन, जब लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना लीनियर इक्वेशन का, अभी डिटेल में लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में तीन ठो के बाद डिस्कस करेंगे, फिर चार ठो का उतना तक नहीं आता एग्जाम में, उसके बाद नहीं आता एग्जाम में, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे तो एंड तक कर सकते लेकिन कर नहीं सकेंगे, ठीक है ना, उतना तक नहीं आता है, हाइएस्ट तुम लोग एग्जाम में यहाँ तक आएगा,
थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा, इससे ज़्यादा ट्वेल्थ में भी नहीं आता। पहला बस हम लोग का ये तो हम आए भी नहीं करेगा। आएगा एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ कोई बात नहीं, सीख लेना। अरे कोई बात नहीं, इधर समझ रहा ना। देखो अब देखो, अब देखो इधर, इसको देखो, इसको देखो, अब समझते देखो इसको। ए नॉट इंटू एक्स टू पावर जीरो है ना, प्लस ए वन एक्स टू पावर वन, ठीक है ना। इसको सजा के लिखते हैं, ए वन एक्स टू पावर वन प्लस ए नॉट इंटू एक्स पावर जीरो, क्या हो जाएगा वन इंटू वन, मतलब क्या हो जाएगा ए वन एक्स एक्स पावर वन, देना मतलब एक्स ही हो गया है ना। ए वन एक्स प्लस जीरो, ए जीरो प्लस ए जीरो, बोलो है ना। अब थोड़ा देर के लिए ए वन को मान लेते हैं ए, थोड़ा देर के लिए ए वन को मान लेते हैं ए, और ए नॉट को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लेट ए नॉट इज इक्वल टू ए, सॉरी ए वन इज इक्वल टू ए एंड ए टू इज इक्वल टू ए जीरो, ए नॉट इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी बन जाएगा ना। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बताते हैं क्यों, बताते हैं क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, वन। जिसका हाईएस्ट पावर वन होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अभी डिफिनेशन लिखवाएंगे, पहले इसको हेडिंग डालो लीनियर इक्वेशन। क्या डालो हेडिंग, लीनियर इक्वेशन हेडिंग डालो पहले, ठीक है। पहले डालो हेडिंग, फिर समझाते बढ़िया से। डालो हेडिंग, ये भी तो लिखना होगा। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग, लीनियर इक्वेशन का है ना। लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्मूला सबको मालूम है ना, एक्स जीरो ए जीरो एक्स जीरो, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू। क्लास है बस पाँच मिनट और, पाँच मिनट और, पाँच दस मिनट, कोई बात नहीं। वाईफाई तो है नहीं, ओए वाईफाई तो है नहीं, चलो लाइट कटा हुआ है, क्या कर सकते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कम बात करेंगे। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखो द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स वेरिएबल्स इज वन इज नॉन एज, क्या बोलते उसको, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का तो देखो हालत खराब करते हैं, देखो ना भाई, पहले लिखो अभी कहाँ, ये तो स्टार्ट है, लीनियर इक्वेशन अभी चलेगा एक दिन दो दिन। अच्छा लिखना खत्म हो गया, टाइम देख ले रहे, 12:15 हो गया। पापा आएंगे तुम्हारे, कॉल कर लेना। आए हुए हैं, कितना बजे क्लास कर रहा तुम, 9 बजे से ना, चलो 2 बजे तो हो गया तुम्हारा। आईआईटी में रैंक चाहिए अभी, पहले बता दे रहे, कम से कम 100 के अंदर, घर जाके सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए डिफरेंशिएशन का। कल हमको आज 8 एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए, पहले बता दे रहे, 8 एक्सरसाइज आज। जो होता है उसको गोल मार्क करेगा छोड़ देगा, गोल मार्क करेगा छोड़ देगा, जो नहीं होता है, जो हो जाता है टिक, जो होगा टिक टिक, जो नहीं होगा गोल मार्क, ठीक है ना। जब नहीं होता तब फिर मूड खराब है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाओ। विच हाईएस्ट इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, एच आई जी एच ई एस टी हाईएस्ट पावर, एच आई जी एच ई एस टी हाईएस्ट पावर, लिखो लिखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज वन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। अब सिखाएंगे ग्राफ बनाना, आज नहीं सिखाएंगे कल सिखाएंगे, आज कुछ कुछ थोड़ा सा बताएं, कल नहीं कल नहीं कल नहीं, अब मंडे को ना, तो मंडे, हाँ मंडे टेस्ट है रे, मंडे टेस्ट है बाबू, नहीं नहीं ये सब नहीं, वो एक्सपोनेंट पावर वाला, एक्सपोनेंट पावर वाला। देखो अब दिखते हैं, यहाँ से इसको मिटाए क्या, क्या बोले, हाँ ग्राफ हल्का सिखा, जल्दी करो जल्दी करो।
इधर देखो एक चीज़ और देखो, हल्का से देखो एक चीज़। लीनियर इक्वेशन जो है ना दो टाइप से का, नाम जानते हो तुम लोग? नहीं नहीं जानते हो? नहीं। लीनियर इक्वेशन दो टाइप है पता है कौन कौन? लाइन सेगमेंट। ना बाबू, लीनियर इक्वेशन दो टाइप है, कौन कौन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर? तो पहले पढ़ेंगे वन वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे टू वेरिएबल। काफी बड़ा चलने वाला है लेक्चर, समझ में आ बात? चलो नोट डाउन करो और बाकी चीज कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसको अब यहीं पर एंड करते, बाकी नेक्स्ट क्लास जब होगा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो एंड करते हैं।